शांति। आज की तारीख है 14/1/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे अभी तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है। बाप आए हैं तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनाने। तुम आधा कल्प के लिए अमर बनते हो। प्रश्न है, इस वंडरफुल नाटक में कौन सी बात बहुत ही समझने की है, जो गुह्य भी है पर सरल भी है? उत्तर है, इस नाटक में जो भी एक्टर्स पार्टधारी हैं उनका चित्र केवल एक बार ही देख सकते हो, फिर वही चित्र 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। 84 जन्मों के 84 चित्र बनेंगे और सभी चित्र भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसी के एक के साथ नहीं मिलते। जिसने जो कर्म किए वह फिर 5000 वर्ष के बाद ही रिपीट कर्म करेंगे। ये बहुत ही समझने की बात है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला हुआ है। तुम ये राज सबको समझा सकते हो। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला, कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1, हम निराकारी और साकारी दोनों बाप के सिकिलदे नूरे रत्न हैं। हम शिव बाबा के जीते जी वारिस बने हैं, इसीलिए हम नशे में रहते हैं। नंबर 2, योग बल से विश्व की बादशाही लेनी है। पवित्रता की राखी बांधी है तो सहन भी करना है। पतित कभी नहीं बनना है। सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भव। मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, सदा सुख के सागर की यानी परम पिता परमात्मा की स्मृति में रहो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। चाहे दुनिया में कितना भी दुख और अशांति का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो, सुख के सागर के साथ हो, इसलिए सदा सुखी हो और सदा सुखों के झूलों में झूलने वाले हो। मास्टर सुख के सागर के बच्चों को दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता, क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गए। सब रस्सियां टूट गई तो सुख के सागर में अब लहराते रहो। स्लोगन है, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।